हिंद, मैं हूं शैल यादव और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने एक बार फिर चीन को खरी खोटी सुनाई है। यानी कि अमेरिका ने कहा है कि चीन भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक है। जिस तरह से चीन ने खूनी जंग की है, जिस तरह से चीन ने अचानक से हिंसा भड़काई है, उसी हिंसा पर आज अमेरिका में भी लथाड़ा जा रहा है चीन। यानी कि अमेरिका भी अब चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, क्योंकि चोरी छिपके कह सकते हैं, खुले तौर पर तो नहीं बल्कि अमेरिका ने भारत का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। क्योंकि देखा जाए तो कुछ तस्वीरें जो कह सकते हैं अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भारत को पहुंचाई है, जिससे कि भारतीय सेना की एक्टिविटी और भी अच्छी हो चुकी थी। यही नहीं बल्कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि चीन भारत के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक हो रहा है, अब उसकी आक्रामकता जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केली मैकनेनी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि इलाके में भारत सहित दूसरे देशों के प्रति चीन का आक्रामक रवैया उसकी कम्युनिस्ट पार्टी वाली सत्ता की असली चेहरा है। क्योंकि प्रेस सचिव ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और तनाव के बीच अमेरिका स्थिति पर करीबी नज़र बनाए रख रहा है। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका चाहता है कि इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकले, क्योंकि ट्रंप ने पहले से ही मध्यस्थता की बात की थी। ट्रंप ने कहा था कि युद्ध इसका हल नहीं है, अगर दोनों देश इस पर मध्यस्थता कर लें यही उचित होगा। लेकिन उसको चीन ने भी नकार दिया था और भारत ने भी उस फैसले को समर्थन नहीं किया था। यानी कि भारत ने भी कहा था ये हमारा मामला है, हम निपट लेंगे, हम आपकी कोई मदद नहीं चाहते हैं। वहीं पर मैकनेनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस संबंध में जो उन्होंने बात कही है कि उस सवाल के पूछे जाने के बारे में कहा है जिसमें भारत चीन संबंध में हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की नज़र भी इस पर है। और उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर चीन का जो रुख है वो चीन के बड़े स्तर पर अपनाए गए आक्रामक रुख का हिस्सा है। चीन की ये हरकतें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का असली चेहरा है। जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहाँ पर कोरोना के केस को कह सकते हैं, जिस तरह से लोगों को मारे जाने की खबरें आई थी, लाखों लोगों का डाटा छिपाया गया था, वो तो वह इतनी खुफिया एजेंसी सतर्क हैं, इतना नेटवर्क तेज है जिसकी वजह से पता चल पाया था कि हाँ इतने लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिनपिंग ने एक बार भी वहाँ की इस तरह की घटनाएं ना तो चीन की सरकारी मीडिया ने और ना ही चीन के राष्ट्रपति ने बताई थी। जिस तरह से पिछले 7 हफ्तों से पूर्वी लद्दाख के कई हिस्सों में भारतीय और चीनी सेना के जवान आमने सामने आ गए थे, इसके बाद 15 जून को रात को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच बड़ी हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत ने अपने 20 सैनिकों को खो दिया था और वहीं पर चीनी सेना को भी नुकसान हुआ था। लेकिन उनकी ओर से कह सकते हैं अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, छिपाया गया है, ये बताने की चीन की हिम्मत नहीं थी। अगर चीन ये बता देता कि हमारे जवान मारे गए हैं तो ये चीन का कह सकते हैं सबसे काला दिन होता, सबसे शर्मसार दिन होता। इसीलिए चीन की सरकारी मीडिया और चीन के राष्ट्रपति ने इस बात को दबा कर रखा है। यही नहीं बल्कि इसके पहले कांग्रेस की एक सुनवाई के दौरान अमेरिकी सांसदों ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC चीनी सेना की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई थी। जिस तरह से हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष एडम शिफ ने कहा इस पिछले महीने में चीन LAC पर घातक झड़पों में लिप्त रहा है, जिसमें दर्जनों भारतीय जवानों की जाने गई हैं। वही चीनी सेना में भी कुछ सैनिकों की मौतें भी हुई हैं, लेकिन चीन अपना डेटा नहीं बता रहा। जिस तरह से सीनियर फॉलो तन्वी मदान में कमेटी ने बताया कि
मई की शुरुआत से ही चीनी सेना की ओर से एलओसी और दोनों देशों के बीच स्थिति वास्तविक सीमा पर यथास्थिति को बदलने की लगातार कोशिशें की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चीनी सेना की ये हरकत और कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को लेकर नज़रिया प्रभावित हुआ है और होता ही रहेगा। जिस तरह से मदान ने कहा कि अक्टूबर सन 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे, तो उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात भी कही थी, लेकिन इन दोनों वजहों से साफ दिखा है कि पिछले कुछ दशकों की कोशिशों के बाद भी दोनों देशों के संबंध बहुत ही स्थिरीय और प्रतिस्पर्धात्मक हो चुके हैं, क्योंकि जो कभी भी संघर्ष में बदल सकते हैं। जिस तरह से चीन ने भारत से हाथ मिलाने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था, जो रिवाज था, वो अभी तक भी चलता आ रहा था, लेकिन कुछ ही दिन पहले ना तो हिंदी चीनी भाई भाई रह गए हैं, ना वो बात रह गई है, सिर्फ बात विवाद में बदल गया है और हिंसात्मक घटनाएँ हो गई हैं। इसी सब को लेकर भारत भी अब लगातार चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, यानी कि जो 59 एप्लीकेशन चीन के हटाए गए हैं, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां ध्वस्त हो जाएंगी, जो अरबों खरबों डॉलर की कमाई करते थे अब वो बर्बाद हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि मदान ने और भी कुछ कहा है कि भारत सरकार ने चीन को इशारे दिए हैं कि सीमा विवाद खासकर यथास्थिति को बदलना लागू करने पर बड़े स्तर पर संबंधों पर असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन को लेकर सार्वजनिक दृष्टिकोण के लिहाज से गिरावट आई है। वहीं भारत में बड़े स्तर पर चीन के खिलाफ माहौल देखा जा रहा है, वहां यह माना जा रहा है कि चीन के साथ संबंधों का एक बार आकलन करना ज़रूरी है। आखिरकार चीन से जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे कह सकते हैं चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो हमारे ऐतिहासिक हो, चाहे वो किसी व्यवसायिक कार्यकाल हो, उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए आज देश के प्रधानमंत्री ने जो चीन को तमाचा मारा है वो हमेशा याद रखेगा और इस तरह की कोशिशें दोबारा ना हो, चीन संभल भी जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आज विपक्ष हमलावर हो रहा है, आज बड़े बड़े पत्रकार ये खबरें चला रहे हैं कि चीनी ऐप डिलीट करके हमें क्या मिला, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोग अब परेशान हो जाएंगे, उनकी कह सकते हैं खुराक रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो चीनी आइटम था, चीनी आइटम वैसे बदनाम है कि बहुत दिन तक नहीं चलने वाले होते हैं। वही हुआ है, हम लोग बड़े बड़े एप्लीकेशन जिनकी वजह से हमारी पहचान थी, जिनकी वजह से कुछ लोग नेता मंत्री बन गए थे, जिनकी वजह से कुछ लोग बड़े बड़े स्टार बन गए थे, उनके साथ कमांडो चलने लगे थे, तो ऐसी बात नहीं है, उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग अनहोनी घटनाएं ना करें, इससे पहले बता दें आपको, वो चीनी आइटम था, चीनी आइटम और चीनी जनता किसी की नहीं होती है, क्योंकि जो एप्लीकेशन बनाने वाले इतने घटिया हो सकते हैं, इतने दरिंदे हो सकते हैं, इतने हिंसात्मक हो सकते हैं, उनके एप्लीकेशन कैसे हुए साहब? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश का डेटा उठकर चीन के पास जाए? क्या आप जानते हैं कि जो हम लोग वीडियो बनाते थे, हमारे यहाँ के माहौल क्या था, हम लोग की लोकेशन क्या थी, हम लोग की पोजिशन क्या थी, वो सब पूरा चीन को पता था। आप यहाँ पर झोपड़पट्टी में रह के वीडियो बनाते थे तो चीन ये भी देखता था कि कितना गरीब भारत है, तो क्या आप अपना निगेटिव पॉइंट चीन को दिखाना चाहते थे? तो इसीलिए किसी भी देश के एप्लीकेशनों में इतने मत जुटिए कि वो देश आपकी कमज़ोरी पकड़ ले। अगर कोई भी देश आपकी कमज़ोरी जान जाएगा तो आपको हमेशा गुलाम ही बनना पड़ेगा। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले सेना भी रही है, और इससे पहले जनता भी रही है, और इससे पहले देखने वाले भी रहे हैं, लेकिन सोचिए साहब, बात करते हैं आप डीजल पेट्रोल महंगाई की, उस समय में भी डीजल पेट्रोल 80 रुपये 82 रुपये पहुंचा था जब सत्ताधारी कांग्रेस थी,
लेकिन हमारी सेना के पास ना तो चिनूक था ना ही कोई राफेल था, कई कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े युद्धक विमान जो आज शामिल हो चुके हैं वो सब नहीं थे। उस पर आप लोग चर्चा करिए, जो बड़े बड़े पत्रकार बन रहे हैं, जो कुछ लोग हिंसात्मक पोस्ट कर रहे हैं, वो लोग जरा सोचें कि हर एक चीज 100% नहीं होता, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होता है। अगर कहीं कुछ बढ़ रहा है तो घटेगा, अगर आपको किसी चीज़ का सुख मिल रहा है तो थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए देश हित के साथ रहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, देश के संविधान के साथ रहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, बने रहिए ओनली न्यू नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।